हेलो बच्चे, वेलकम बैक। मैं चार हल करती हूँ बेचार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ को मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय सेल के लिए प्लान करना। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस शेयर मोमेंटम करेगी। इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आज मार्केट में मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में छुट्टी थी, कल मार्केट में एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी का। कल 2 मई से अगेन मार्केट ओपन होने वाला है, किस पॉइंट को बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है, हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें। हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था, यहाँ पर देखेंगे वीकली चार्ट का, हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर डिस्कशन किया था। जैसे यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बना था तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो 46,500 तक हमारा टारगेट था, 500-600 तक। मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पर 46,600 का लेवल टच किया और सडन यहाँ से बाइंग साइड में मोमेंटम कर गया। अभी डेली कैंडल में देखेंगे तो फिर से साइकोलॉजी लेवल के पास यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बना है, 50,000 का लेवल टच किया यहाँ पर और धड़ाधड़ सेलिंग आई ट्यूजडे के दिन में। जैसे यहाँ पर 30 अप्रैल को यहाँ पर 50,000 का लेवल टच किया, मार्केट में धड़ाधड़ सेलिंग आई। मॉर्निंग से ही लग रहा था मार्केट सेलिंग में जाएगा। यहाँ पर 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो मैं यहाँ पर एक सेल का ट्रेड भी लगाकर बैठी हुई थी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, मुझे 0-0 ट्रेड कैप्चर करने थे और यहाँ पर ब्रेकडाउन होते हुए थोड़ा सा दिख रहा था। हालांकि ब्रेकडाउन नहीं था, मैं रिस्क लेकर के यहाँ पर पुट में सेल की थी। यहाँ पर देखेंगे मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ, डे हाई को ब्रेक किया, ऑलमोस्ट डे हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था जब यहाँ पर घंटे भर का रेंज बना करके यहाँ पर ब्रेक डाउन ए रेड कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ, मुझे लगा है कहीं ना कहीं डाउन साइड में जाएगा और यहाँ पर मैं बहुत ही लेस क्वांटिटी में डाल करके पुट होल्ड कर रही थी कि मे बी यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन हुआ तो धड़ाधड़ जाएगा। जो इस तरीके से 50,000 का लेवल टच करके आया, वो मोमेंटम मुझे यहाँ पर लग रहा था कि फास्ट मूव करेगा डाउन साइड, लेकिन हुआ अपोजिट, ए अपर साइड में ब्रेक किया, लेकिन मेरा बाइंग का व्यू था भी नहीं, मेरा सेलिंग का ही व्यू था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर एक्सपायरी नहीं होती, अदर दिन होता तो मैं यहाँ पर शायद बाइंग की तरफ देखती, लेकिन यहाँ पर एक्सपायरी थी, चांसेस मुझे लग रहा था सेलिंग में जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे अपर साइड में सिर्फ एक ही कैंडल मूव किया, 50,000 का लेवल टच किया और यहाँ से जो सेलिंग आई, मात्र यहाँ पर देखेंगे 45 मिनट का अंदर 50,000 का लेवल टच किया, 45 मिनट के अंदर इसने 49,200-300 का भी लो टच किया, तो 45 मिनट के अंदर धड़ाधड़ 700 पॉइंट का डाउनफॉल देखने के लिए मिला, बहुत ही फास्ट। और यहाँ पर मेरा लगता है शायद 49,700 का पुट था और वो लगभग यहाँ पर 35-36 रुपए के आसपास में मैंने बाइंग की थी और बहुत अच्छा, लगभग 300 के आसपास में यहाँ पर मेरा पोजीशन कट अप हुआ था, एक्सपायर अप हुआ था। बहुत ही शानदार यहाँ पर मोमेंटम किया, बहुत ही फास्ट मूव किया, मैं इसी कैंडल के आसपास में आउट कर दी थी। हालांकि 49,700 का पुट बहुत ही मूव किया था, लेकिन मैंने 300 के आसपास में प्रॉफिट कर ली थी क्योंकि बहुत अच्छा मुझे प्रीमियम मिल गई थी। यहाँ पर एक एसएल गया लेकिन नेक्स्ट ट्रेड में मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे डेली कैंडल में, तो एक डेली कैंडल है यहाँ पर शूटिंग स्टार बना चुका है, हम लोग लो को मार्क कर लेंगे, अगर लो का ब्रेकडाउन किया सेल करेंगे, अगर हम लोग बाइंग तभी करेंगे जब 49,500 के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करेगा, बशर्ते यहाँ पर डे लो को मार्क करना है और 49,500 का लेवल मार्क करना है। यहाँ 49,000 फ्लैट ओपन हो, 49,500 के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करते हैं, हम लोग बाइंग करेंगे, अगेन टारगेट 49,900, 50,000 का टारगेट होना चाहिए। सेलिंग के लिए इसी फ्लो में जाती है तो लेस क्वांटिटी करके ट्रेड करना है और टारगेट बहुत बड़ा नहीं रखना है, 49,000 का टारगेट रखना है। 49,000 हो गया, 48,900 हो गया, ये सारे टारगेट पॉइंट रखने हैं क्योंकि 50,000 के लेवल से डाउनफॉल करना स्टार्ट करती है तो वन फ्लो में मार्केट 1,000 पॉइंट 1,200 पॉइंट से ज्यादा नहीं गिर सकता है। कभी यहाँ 49,250 के लेवल के आसपास में ट्रेड करेगी तो यहाँ से 200-250 पॉइंट और डाउनफॉल करेगा, इससे ज्यादा डाउनफॉल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा उछाल लेकर के अगेन डाउनफॉल में आगा तो बड़ा पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन इसी फ्लो में हमें बड़ा टारगेट प्लान नहीं करना है, 200-250 पॉइंट मिलेगा इनफ पॉइंट है, हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, तो 49,000 फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपनिंग के बाद उछाल लिया और 49,700-800 के पास से यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन बना करके या शूटिंग स्टार कैंडल बना करके ब्रेक डाउन कर दिया तो हम लोग यहाँ से सेल करेंगे और 49,000 टारगेट के लिए प्लान करेंगे तो यहाँ पर हमें एक अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। जितना पॉइंट यहाँ पर उछाल लेगा यहाँ तो 500-700 पॉइंट इजिली हम लोग कैप्चर कर पाएंगे, तो यहाँ पे इसी फ्लो में बड़ा पॉइंट टारगेट प्लान नहीं करना है, उछाल के बाद में अगर डाउनफॉल कर दिए तो फिर बड़ा पॉइंट बड़े टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पर टारगेट प्लान कर सकते हैं।
अगर एक कल गैप डाउन ओपन हो जाती है डायरेक्ट 49,000 49,100 ये सारे जोन में गैप डाउन ओपन हो जाती है तो यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान ना करें, वेट करें यहाँ पर डब्ल्यू फॉर्मेशन बनने के लिए। अगर डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाती है तो डेफिनेटली यहाँ से एक बाइंग आएगी, रिकवरी आएगी और टारगेट 49,500-600 का होना चाहिए। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अगर कल यह गलती से भी गैप ओपन होती है तो पहले यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसके और प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें ट्रेड प्लान करना है। फर्स्ट हमें रेड कैंडल मिलना चाहिए, कोई भी कैंडल हो, शूटिंग स्टार कैंडल हो, डोजी कैंडल हो। रेड कैंडल मिलने के बाद उसके लो का ब्रेकडाउन करना चाहिए। लो के ब्रेकडाउन होते ही हम लोग सेल करेंगे और सेम कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए कि हम लोग निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 भी यहाँ पर ऑल टाइम हाई को टच किया और इसी पॉइंट से इसमें सेलिंग आई, बहुत ही फास्ट सेलिंग आई। बैंक निफ्टी में रिकवरी ज्यादा हुआ, निफ्टी 50 में रिकवरी ज्यादा नहीं हुआ था, सेलिंग ज्यादा हुई है और यहाँ पर भी शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। जैसे ही इस लो का डाउन होगा एक डाउनफॉल का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलेगा। 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आएगा कहाँ पे कल सेल के लिए प्लान करना है। कल इसका एक्सपायरी भी है। यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी 50 में एक फ्रेश ब्रेकआउट होते हुए दिख रही थी, लेकिन ऑल टाइम हाई के पास से सेम टाइम पर जब बैंक निफ्टी में डाउनफॉल होना स्टार्ट किया उसी टाइम पर निफ्टी 50 में भी डाउनफॉल होना स्टार्ट किया और ये भी लगभग 2:30 बजे से जो गिरना स्टार्ट किया, यहाँ पे देखेंगे तो 275 से जो इसने गिरना स्टार्ट किया, सॉरी 22,775 से जो गिरना स्टार्ट किया, यहाँ पे 22,575 का लो लगाया, तो लगभग 200 पॉइंट मात्र 45 मिनट के अंदर डाउनफॉल कर गया। इसी फ्लो में और सेल नहीं करना चाहिए। अगर करते भी में भी यहाँ पर डाउनफॉल होती भी है तो इसी फ्लो में ये बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं करेगा। एक साइकोलॉजी लेवल है 500 यहाँ तक जाएगा तो हमें यहाँ पर 50-60 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा, लेकिन रिस्की ट्रेड होगा, इसलिए बेहतर है यहाँ पर सेल ना करे। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होकर के पहले सेल में आती है तो 500 के पास यहाँ पर डब्ल्यू फॉर्मेशन बनना चाहिए। अगर यहाँ पर डब्ल्यू फॉर्मेशन बनती है तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे, या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद उछाल लेगा तो फिर इधर से सेल के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। 22,700-750 ये सारे जोन से अगर लोअर लो फॉर्मेशन बनाती है या फिर शूटिंग स्टार कैंडल या डोजी कैंडल बना करके लो का ब्रेक डाउन कर दिए तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, या फिर डायरेक्ट गैप अप ओपन हो जाती है 22,700-650-750 ये सारे जोन में, तो यहाँ से पहले हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। इसलिए हमें पहले एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए 15 मिनट या 5 मिनट का, उसके लो का ब्रेकडाउन होना चाहिए और सेम कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। बड़ी कैंडल नहीं बननी चाहिए, इस तरीके का कैंडल नहीं बननी चाहिए, इस तरीके का कैंडल नहीं बनना चाहिए, स्मॉल कैंडल बनना चाहिए। लगभग लगभग उसका रेंज 35 से 40 पॉइंट का होना चाहिए। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपन के बाद प्राइस एक्शन के लिए वेट करें, इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करें। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।